बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदीन की सेहत का ख्याल रखने के लिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि कोई ऐसा खित्ता तलाश करे जिसमें खुश्की और नमी एक जैसी हो। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने दूसरे सालारों से मशवरा करने के बाद कोफा को मुंतखब कर लिया और उसी वक़्त कोफा को रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने एक बुलंद जगह मुंतखब की और हुक्म दिया कि यहाँ मस्जिद की तामीर शुरू की जाए। एक तीर अंदाज को मस्जिद की जगह खड़ा करके कहा गया कि वो चारों तरफ एक एक तीर फेंके। जब तीर फेंके गए तो आपने हुक्म दिया जहाँ जहाँ तक तीर पहुँचे हैं इस तमाम जगह का बाजार और आबादी बना दी जाए। मस्जिद के करीब ही एक बहुत खूबसूरत मकान तामीर किया गया जिसमें बैतुल माल की तामीर भी शामिल थी। इस इमारत का नाम कसरे साद रखा गया। चंद ही बरसों में ये बस्ती बहुत ही खूबसूरत और शान वाली हो गई। यहाँ तक कि कोफा को ही इस्लामी सल्तनत का दारुल खिलाफा बना दिया गया। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु मदाइन से कोफा मुंतकिल हो गए और नए मकान में रहने लगे। लेकिन यहाँ शोर गुल इतना होता था कि हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु परेशान हो गए। उन्होंने मामार को बुलाकर कहा कि मुझे इस शोर गुल और हंगामे से निजात दिलाओ। इस शोर गुल के लिए मेरे घर के दरवाजे बंद कर दो। मामार ने उस मकान में कुछ ऐसे इजाफे किए कि ये छोटा सा एक महल बन गया। उसके आगे मामार ने मजबूत और एक नहायत खूबसूरत दरवाज़ा लगाया जो बंद होता था तो ज़रा सा भी शोर गुल उसके अंदर नहीं आता था। एक बार वहाँ से कोई शख्स मदीना मुनवरा आया और अमीरुल मोमिनीन से मिला। कोफा के मुतालिक बात चली तो उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बताया कि अमीर लश्कर हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने महल जैसा मकान तामीर करवाया है और उसके सामने एक महल जैसा दरवाज़ा लगाया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी तो एक सहाबी मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन मुस्लिमा को बुलाया और हुक्म दिया कि अभी कोफा रवाना हो जाओ, साद के मकान के दरवाजे को बग़ैर पूछे आग लगा देना और फिर ये ख़त उसे दे देना और वहीं से वापस आ जाना। मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन मुस्लिमा उसी वक़्त रवाना हो गए। लंबी मुसाफत के बाद कोफा पहुँचे। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली तो उन्होंने उन्हें बुलाया। वो हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर गए लेकिन उसके अंदर जाने से इनकार कर दिया। हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु बाहर आए, उन्होंने कहा कि वो पहले अंदर चलकर खाना खाएँ। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने इनकार कर दिया और दरवाजे पर तेल फेंककर आग लगा दी। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु इस ख्याल से चुप रहे कि ये कोई हुक्म है जिसकी तामील हो रही है। हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन मुस्लिमा ने हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ख़त हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु को दिया। उन्होंने ख़त पढ़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लिखा था, मुझे इत्तला मिली है कि तुमने अपने लिए महल तामीर करवाया है और इसे एक खूबसूरत किले की शक्ल दे दी है और तुमने उसका नाम कसरे साद रखा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे पर इन लोगों के लिए रुकावट पैदा होगी जो तुम तक पहुँचना चाहते हैं। ये तुम्हारा महल नहीं, ये तुम्हारा और उम्मत की हलाकत का महल है। इसमें तुमने बैतुल माल तामीर करवा कर उसे अपने महल का एक हिस्सा बना डाला है। बैतुल माल पर बाकायदा पहरा खड़ा किया जाता है। इस पहरे की वजह से तुम्हारे महल में भी कोई दाखिल नहीं हो सकता। बैतुल माल को फौरन वहां से हटा दो ताकि जो कोई तुम तक पहुंचना चाहे उसके लिए पहरे की वजह से रोक टोक ना हो। अपने और लोगों के दरमियान कोई रुकावट ना रखो। दरवाज़ा जल रहा था। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का हुक्म नामा पढ़कर मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन मुस्लिमा को बताया कि उन्होंने ये दरवाज़ा क्यों लगाया था। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क का अमीर हूँ और अमीर लश्कर भी हूँ
मुझे इत्मीनान और सकून चाहिए ताकि मैं सही फैसले कर सकूं और लोगों की भलाई के लिए सोच सकूं। मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन मुस्लिमा मदीना वापस आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बताया कि वह हुक्म की तामीर कर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बताया कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क्या उज़र पेश किया है और इस किस्म का दरवाज़ा लगाने की वजह क्या थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की अज़मत मुलायजा हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो हुक्म दिया था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु बिन मुस्लिमा से कहा कि उन्हें ये उज़र कबूल कर लेना चाहिए था, अंधाधुंध हाकिम के हुक्म की तामील नहीं करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर तुमने अपनी आँखों से कोई और सूरत हाल देखी थी और उसकी सही वजह तुम्हें मालूम हो गई थी तो तुम में इतनी सोच और इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी कि मेरे हुक्म की तामील न करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसी वक़्त हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा कि उन्होंने जो उज़र और जो वजह बताई है वो कबूल की जाती है और वो अपना मकान पहले की तरह रहने दें। ये था मुसलमानों का किरदार जिसने उन्हें इराक़ और शाम से रोमियों और फारसियों का सफाया करने की ताकत दी और उन्होंने वहाँ ऐसी हकूमत कायम की कि वहाँ के लोग जोक दरजोक इस्लाम कबूल करते चले गए। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।